हम स्टार्ट करते हैं अब इंटरनल फोर्सेस जो हमने बात की अभी ऊपर फोर्सेस की जो लगती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं उसके नतीजे में जो इंटरनल फोर्सेस अप्लाई होती है तब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरनल फोर्सेस को ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड। कि जो आपने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया है अपने रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर उसके नतीजे में हम इंटरनल फोर्सेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको देखेंगे और फिर हम क्लासीफाई करेंगे एक्सियल सेंट्रिक लोडिंग को। तो ये मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है जैसा कि आपको यहाँ पे ब्रिज नजर आ रहा है ठीक है। इस इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बने। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर जो है बेसिकली आप सारी अपनी फोर्सेज को ड्रा करते हैं और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि फोर्सेज एक यहाँ पे ड्रा हो रही है इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। अब आप क्या करते हैं अपने इस सब्जेक्टिव बॉडी को जिसके आपने बेसिकली इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करनी है आप उसका एक पोर्शन ले लेते हैं जिसको आपने स्टडी करना ठीक है। उस एक पोर्शन को लेते हुए आप क्या करते हैं आप उसको एक सेपरेट वे में ड्रा कर लेते हैं जिसके अंदर आप इंटरनल फोर्सेस को ड्रा करते हैं। तो ये जब आपका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर था इसके ऊपर जो इंटरनल फोर्सेज अप्लाई कर रही थी वो आपने ड्रा कर ली। अब इन एक्सटर्नल फोर्सेस के नतीजे में हम इस बॉडी को सेक्शन करके देखेंगे मतलब कि बेसिकली अब हमने जो इंटरनल फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं पर ड्रा करनी है तो हम क्या करते हैं हम अपनी बॉडी को सेक्शन कर देते हैं। सेक्शन करने के नतीजे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो आपकी उस सब्जेक्ट या उस मटीरियल के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है वो हम ड्रा करते हैं और फिर हम उनको उनके कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं जिसके नतीजे में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं और फिर फाइनल हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपके सब स्ट्रक्चर की या सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस क्या है वो किस पॉइंट पे जाके फेल हो रही है क्या उसका मैक्सिमम लेवल है फोर्सेस को बियर करने का ठीक है। तो ये एक बेसिकली रोड मैप है मैकेनिज्म है आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन को फाइंड करने से रिलेटेड कि आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का मैकेनिज्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ जी आपने पहले इंजीनियरिंग जो स्ट्रक्चर है मतलब तो वो सब्जेक्ट जिसको आपने ऑब्जर्वेशन लेना वो सिलेक्ट किया उसके बाद जो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई कर रही है उसके नतीजे में आप उस सब्जेक्ट को फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और एक्सटर्नल फोर्सेज को शो करेंगे। देन आप उस बॉडी का एक पार्ट जो आप मैयर करना चाह रहे हैं उसको ड्रा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर सेक्शंस के आप इंटरनल फोर्सेज को उसके ऊपर ड्रा कर सकें और देन आप उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं उसके फोर्सेज को रिजोल्व करते हैं उनके कंपोनेंट्स में और उससे आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की कैलकुलेशन परफॉर्म करें ठीक है ताकि आप अपनी बॉडी को उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। तो एक्सियल सेंट्रिक लोडिंग से क्या मतलब है जी बेसिकली एक्सियल लोडिंग का मतलब यह है कि जो आप लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं वो बेसिकली पैरेलल है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेम्बर मतलब वो सब्जेक्ट या वो बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो एक्सियल लोडिंग के अंदर उस मायने में आएगी जब आप वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर मतलब कि वो पैरेलल होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर के। और सेंट्रिक लोडिंग का क्या मतलब है जी सेंट्रिक लोडिंग का मतलब ये है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो बेसिकली फोर्स जो उसमें से पास हो रही थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ एक्शन मतलब जो सेंट्रॉइड है आपकी बॉडी का जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसके सेंटर से पास हो रही उसको हम सेंट्रिक लोडिंग का नाम देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर शो किया हुआ है कि ये एक बार है जिसके ऊपर हम पी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो पी फोर्स है ये इस बॉडी के सेंटर से अप्लाई हो रही है ठीक है। ये इसका पार्ट एच और जी हमने जो लिया इसके अंदर उसकी फोर्स जो है वो सेंटर से अप्लाई हो रही है उसके नतीजे में क्या होगा उसकी लेंथ के अंदर चेंज अकड़ हो जाएगा ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी एक्सियल सेंट्रिक लोडिंग जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है एक्सिस से पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एज वेल एज सेंट्रॉइड ऑफ द सब्जेक्टेड बॉडी ठीक है उसको हम सेंट्रॉइड लोडिंग कहते हैं। तो इसी परस्पेक्टिव को जो है अब हम डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टू टाइप ऑफ स्ट्रेसेस नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेस। ये मेरे पास एक बॉडी है जी जिसके ऊपर मैं की फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये मेरे पास उसका मेंबर है ए और बी जिसके ऊपर मैं टेंसाइल की फोर्सेज अप्लाई कर रहा हूँ। अब इस टेंसाइल की फोर्सेज के नतीजे में क्या हो रहा है मेरी बॉडी इलॉन्गेट कर जाएगी मतलब उसके अंदर
एक्सटेंशन हो जाएगी उसके मेंबर में, मतलब ए बी जो है ए डैश और बी डैश बन जाएगा, मतलब कि जो इसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो जो चेंज होगा लेंथ में उसको हम डेल्टा एल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा एल क्या है जी? डेल्टा एल इज बेसिकली द डिफॉर्मेशन है जो उस बॉडी के अंदर डिफॉर्म हुई है, जो डिफॉर्मेशन अटर हुई है उस बॉडी में उसको हम डेल्टा एल का नाम देंगे। इट्स बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द मेंबर, जो इसके अंदर चेंज आया है इसको हम डेल्टा एल का नाम देंगे। तो अब इस फोर्सेस को अप्लाई करने के नतीजे में, मतलब जब आपने इस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया तो इसको आप करने के नतीजे में इंटरनली जो फोर्सेस प्रोड्यूस होगी उसको अब आप कैसे देखेंगे? जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आप इसको सेक्शन कर देंगे। मेथड क्या है इसका? सेक्शन कर दिया मैंने इसको सेंटर से, एक्स एक्स पॉइंट से मैंने इसको सेक्शन ले लिया। अब मेरी ए पी फोर्स यहाँ पे और ये पी फोर्स उसी तरह से यहाँ, मतलब इस बॉडी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जब ये फोर्स को मैंने सेक्शन कर दिया तो इसके नतीजे में जब ये फोर्स अब इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके नतीजे में एक रिजल्टिंग फोर्स जो है वो रूनमा हो रही बॉडी के अंदर, इंटरनल रिएक्टिव फोर्स कह सकते हैं आप, इंटरनल फोर्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी जिसको हम रिजल्टिंग फोर्स का नाम दे रहे हैं, एफ का नाम दे रहे हैं। और ये जो है बेसिकली आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के मुताबिक होगा, मतलब कि ये इसके नतीजे में क्या है कि आपका बॉडी, मतलब जो आपकी बॉडी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की इंटरनल फोर्स भी जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो जब उसके ऊपर अप्लाई होगी तो उसके नतीजे में वो उसको लेवल आउट कर देगी, बराबर कर देगी। जी तो मैं बात कर रहा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन की जी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी मतलब जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगी, स्टैटिक रहेगी, और उसके नतीजे में फोर्सेस अगर वो एक्स में है, वाई में है, जी में है, वो जीरो हो जाएंगी और जो मूवमेंट है आपका वो भी जीरो रहेगा। तो इसके नतीजे में जब आप एक फोर्स अप्लाई करेंगे, इंटरनल लोडिंग अप्लाई करेंगे, तो उसके नतीजे में जो इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी वो उसके बिल्कुल डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वी कैन से एफ माइनस ई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के मुताबिक जा रहे हैं। तो वी कैन से एफ इज इक्वल टू पी। तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि बॉडी जो है आपकी वो स्टैटिक कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के को इक्वलाइज कर देंगी, बराबर कर देंगी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो फोर्स अप्लाई होगी पी टी, उसके नतीजे में जो इंटरनल फोर्स, जो रिएक्टिव फोर्स जो निकलेगी, जो रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो यहाँ पे अब आप देखें तो ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो डी एफ है, जो कि बहुत स्मॉल एरिया पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर जो है जी वो फोर्स अप्लाई होगी, और उस फोर्स को हम जो एरिया के ऊपर अप्लाई होगी, एरिया को हम डी ए से डिनोट करेंगे, और जो फोर्स हो रही है उसको हम डी एफ के साथ डिनोट करेंगे। इसको हम इस सेंस में कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक स्मॉल एरिया है, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर एक स्मॉल फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये हम पूरा सब्जेक्टिव बॉडी के ऊपर इसको कंसिडर करेंगे, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है आपकी फोर्सेज प्रोड्यूस हो रही है। इन सब फोर्सेज को अगर हम अक्यूमुलेट करें या रिजल्टेंट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, तो उसके नतीजे में जो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो एक रिजल्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका, वो नॉर्मल स्ट्रेस होगी जो कि उसके बिल्कुल मतलब के ओवरऑल एरिया पे बट अप्लाई होती हुई नजर आएगी, जिसको हम एवरेज स्ट्रेस का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस इस सेंस में क्या होगी, स्ट्रेस फिर होगी हमारी रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज परपेंडिकुलर टू द कट ऑफ सरफेस। ये जो आपकी बॉडी थी जिसको आपने कट किया, तो उसके ऊपर जो फोर्स प्रोड्यूस हुई है, जो बेसिकली एवरेज आउट है इन सब फोर्सेस की, उसको हम कहेंगे रेजिस्टिंग फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द कट ऑफ द सरफेस एरिया, इसको हम फिर रेजिस्टिंग फोर्स का नाम देंगे। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये एवरेज हम इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि लेट्स से एक क्लास के अंदर मल्टीपल हाई स्कूल स्टूडेंट्स में मिलेगा, किसी की 5-10 है, किसी की 6 है, किसी की 4-10 है, किसी की 4-5 है, हर एट की जब आप एवरेज देंगे तो लेट्स से मैं कहता हूँ क्लास की एवरेज है 5.5, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रही है आपके एरिया के ऊपर, एरिया इज रिलेटिवली टाइनी, बहुत स्मॉल है,
उस नतीजे में लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही इक्वल टू जीरो. तो वी कैन से स्ट्रेस इज बेसिकली इक्वल टू द लिमिट टू द डेल्टा ए अप्रोचेस टू जीरो टाइम्स डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा ए रेजिस्टिव फोर्स टू द एरिया. सो क्योंकि ये जीरो तो अप्लाई कर रही है, इसको अप्रोच कर रही है, तो हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. स्ट्रेस इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी ए. तो अब इसको डी ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया स्ट्रेस डी ए और डी एफ हमारा इस साइड का. अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन के नतीजे में ये हमारे पास ये इक्वेशन है, ताकि हम अपनी अक्यूमुलेटिव जो स्ट्रेस है उसको हम कैलकुलेट कर सकें. तो कॉन्सेप्ट क्या है जी हमारे पास एवरेज स्ट्रेस का? एवरेज स्ट्रेस जो है बेसिकली काफी क्या होगी, एफ इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर एरिया. क्योंकि हमने इन सबको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो एफ इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर ए और स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स ओवर एरिया. एज एफ इज इक्वल टू पी एज शोन ऑन द अबव, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू पी ओवर ए. तो इसी पॉइंट को मैं एक दफा दोबारा इस फिगर के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये जो सारी फोर्सेज हैं, जो रेजिस्टिंग फोर्सेज हैं, वो स्मॉल एरिया के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, जो कि रिलेटिवली स्मॉल है, दैट अप्रोचेस टू जीरो. तो हम अज्यूम करेंगे कि ये सब फोर्सेज जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक ही रिजल्टेंट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेस का नाम देंगे, जो कि परपेंडिकुलर टू द कट ऑफ सेक्शन सरफेस होगी. ठीक है जी, तो स्ट्रेस कंप्लीट हो गया. तो इसी के साथ अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं. बेसिकली जो स्ट्रेस के यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल होते हैं. तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल के बराबर है. इसी तरह से 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसी तरह से 1 किलो पास्कल के बराबर हो जाएगा जी. एंड देन सो ऑन, मेगा पास्कल जो है वो 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल के बराबर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पास्कल के बराबर. ठीक है, इसी तरह से हम गीगा पास्कल भी कह सकते हैं. एज वेल एज 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1 मेगा पास्कल. हाउ? तो अगर आप इसको सॉर्ट आउट करें, एम मिलीमीटर है तो 10^-3 मीटर से ये 6 हो जाएगा. 6 को आप माइनस 6 है तो ऊपर चला जाएगा, तो 10^-6 न्यूटन पर मीटर से दैट इज इक्वल टू द 1 मेगा पास्कल. दैट इज शोन फ्रॉम ठीक हो जाए. और हम बात करते हैं अपनी डिस्कशन को, मतलब दोबारा से कंटिन्यू करते हैं एक्सियल सेंट्रिक लोडिंग की, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई थी. उसके बाद हमने स्ट्रेस की जनरल डेफिनेशन को ड्राइव किया कि स्ट्रेस क्या होती है, वो किस तरीके से आपकी बॉडी पे लगती है. तो स्ट्रेस जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो मतलब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उसके अंदर एक तो हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, सेकेंड नंबर पर एक डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, और थर्ड नंबर पर प्लेन रिक्वायर्ड है. ये तीनों चीज़ें जो है हमें नेसेसरी है, लाजमी चाहिए किसी भी स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए. और टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और वो लेटरल भी हो सकती है, या वो ट्रांसफरेंसी भी हो सकती है. तो हम ऐसा ही करने वाले हैं, ये जो आपके पास एक बार है, मतलब ये जो लोडिंग जो बार है इसके ऊपर सेंट्राइड से जो आपका लोड अप्लाई हो रहा है भी, इसको हम कट करेंगे 2 डिफरेंट फॉर्म में, लेटरल साइड में या ट्रांसफरेंसी में, जिसको हम ट्रांसफर कट कहेंगे, और ये हमारे पास नॉन ट्रांसफर कट है जो एट एन एंगल है. तो ड्यूरिंग द केस ऑफ ट्रांसफर कट आपके पास जो फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी वो एक एन की फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, और एक स्ट्रेस की फोर्स है. मतलब नॉर्मल स्ट्रेस है और ये शियर स्ट्रेस है. अब चूंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस और यहाँ पे जो इंटरनल फोर्स है दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपल एन लिखा. और जो वी है शियर स्ट्रेस है वो यहाँ पे जीरो होगी, क्योंकि ये इस बॉडी के पैरेलल में एक्ट कर रही है, तो ये फोर्सेस जो है वो जीरो हो जाएगी. इसके बिल्कुल पैरेलल है ना इस टाइप के, इसीलिए इसको हम जीरो कर देंगे, गाइड कर देगी इसके असर को, नॉर्मल होने की वजह से, पैरेलल होने की वजह से ना इस असर को गाइड कर देगी. और नॉन ट्रांसफर टाइप के अंदर आपकी जो फोर्स बनेगी, एक तो ये आपकी रेजिस्टिंग फोर्स सी आ रही है, और जो इसके परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही है, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बॉडी के फोर्स अप्लाई हो रही थी एन, इसी तरह इस बॉडी के परपेंडिकुलर अब ये फोर्स आ जाएगी और ये एन हो रही. अब इस सूरत में एन और टी की वैल्यू डिफरेंट हो, यहाँ पे सेम, और यहाँ पे वी टी जो फोर्स है वो भी अप्लाई हो रही है, शियर
टेस्ट हम नाम देंगे। तो नॉन ट्रांसफर कट जो है बेसिकली स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन। तो नॉर्मल फोर्स जो आपकी लग रही है इस नॉन ट्रांसफर कट की, वो हो जाएगी स्ट्रेस इनटू एन टाइम ए, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया दैट वाज परपेंडिकुलर टू द कट ऑफ सरफेस। यहाँ पे सारी स्ट्रेसेस की फोर्स निकली जिसको हम ये नॉर्मल स्ट्रेस की फोर्स कहेंगे। ये हमारे पास एरिया ए है और हमने रेंज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ये अज्यूम किए हुए। टेंशन की सूरत में साइन प्लस होगा, कंप्रेशन की सूरत में साइन नेगेटिव होगा। और शीयर स्ट्रेस जो है इसको हम टाउ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे भी, और नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और शीयर स्ट्रेस जो है आपके पास इंक्लाइन सेक्शन प्लेन के ऊपर ही अप्लाई हो रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो वो पैरेलल हो रही है। सो टाउ इज इक्वल टू वी ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया पैरेलल टू द कट ऑफ सरफेस। इसको हम सिर्फ जो इसको हम नाम देंगे वो शीयर स्ट्रेस का नाम देंगे, और इसके अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है फोर्सेज आप मेजर करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं आपको एक दफा से इससे ब्रीफ कर दूं कि हमने यहाँ पे अर्जियल सेंट्रिक लोडिंग के अंदर उसको दो तरह से कट किया है, एक ट्रांसफर कट में और एक नॉन ट्रांसफर कट में। ट्रांसफर कट के सूरत में जो फोर्सेज अप्लाई होंगी, एक नॉर्मल फोर्स है और एक आपकी शीयर की फोर्स है। शीयर की फोर्स इसमें जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो शीयर फोर्स के पैरेलल के ऊपर एक्ट कर रही है, तो वो उसके असर को जीरो कर देगी। जब ये नॉन ट्रांसफर कट होगा एट एन एंगल पे होगा, उस सूरत में आपकी शीयर स्ट्रेस की फोर्स जो है वो अप्लाई होगी, वो जीरो नहीं है।